उसके मुताबिक 33 ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए 186 रन बनाने होंगे। 5.6 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्हें ये लक्ष्य प्राप्त करना होगा। जो परिस्थितियां हैं कि आउटफील्ड थोड़ा गीला अभी भी है, और इन परिस्थितियों को देखते हुए कीर्ति आप क्या समझते हैं, जो ये लक्ष्य रखा गया है वो कैसा रहेगा? श्रीनाथ, और इसमें उन्होंने थोड़ी जगह दी थी स्ट्रोक खेलने की, जाडेजा फील्डर, इरादे बिल्कुल साफ पहली गेंद से ही पाकिस्तानी कप्तान के। बहुत ही रोचक होना चाहिए मैच, और 33 ओवर में 186 रन, दोनों टीमों को अपने अपने फायदे और नुकसान है इस ओवर जो घटा दिए गए इस मैच में। एक तो ये कि भारतीय टीम के पास जो बॉलर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं, उनको बॉल को पकड़ने में थोड़ी कठिनाई क्योंकि गीली हो जाएगी, और बॉलर का रन अप भी थोड़ा गीला है, इस कारण से फास्ट बॉलर्स को अपने पांव रखने में कठिनाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ वही पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स, उन्हें रने भाग के ज़्यादा लेने पड़े क्योंकि आउटफील्ड भी काफ़ी भारी हो जाने के कारण गेंद बाउंड्री लाइन पर उतनी आसानी से नहीं जाएगा। सईद अनवर के सामने ड्राइव किया है, बहुत ही सही टाइमिंग था, प्लेसमेंट भी अच्छा था, आउटफील्ड थोड़ा भारी है, ये गेंद अपने आप थोड़ा धीमा हो गया। एक फायदा और पाकिस्तान की टीम को यह है कि इन 33 ओवरों में 15 ओवर जो हैं, जिसमें कि सिर्फ फील्डर दो बाहर रह सकते हैं, वो 15 ओवर तक रहेंगे, क्योंकि भारत ने भी पूरे 47 ओवर खेले थे जिसमें 15 ओवर बाहर थे। और देखिए, हैवी आउटफील्ड, भारी होने के कारण, पानी के कारण गेंद जो है इतनी अच्छी तरह से शॉट लगी थी, बाउंड्री लाइन तक नहीं गई। और अच्छा गेंद था, आप देख रहे, बहुत ही अच्छी बॉल थी, तेज निकली, रन तो विकेट गेंद कर रहे हैं, पढ़कर एंगल हुई, ज्यादा कुछ दिशा नहीं बदली, और बहुत ही अच्छा बॉल, अच्छा बाउंस, और सुहेल पूरी तरीके से लाइन में नहीं आए थे, बॉल के हटकर थर्ड मैन की ओर खेलना चाहते थे। अपने खिलाड़ियों को उत्साहित करते हुए फिर अच्छा प्लेसमेंट था दो खिलाड़ियों के बीच में। एक ओवर के बाद पाकिस्तान 7 बगैर किसी नुकसान के। वो वाला गेंद था पिछले ओवर का जो टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ।